नमस्कार, आपका पशुधन हिताय चैनल के डेयरी इनक्लेव के प्रिसीजन डेयरी न्यूट्रिशन सेगमेंट में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि पिछले 10 से 15 साल से पशुपालन ये एक बिजनेस बन चुका है और किसी भी बिजनेस में कम से कम लागत आके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, यही सबको चाहिए होता है। और इसीलिए हम ये प्रिसीजन डेयरी न्यूट्रिशन का एपिसोड्स लेके आए हैं, जिसमें आपको प्रिसीजन डेयरी न्यूट्रिशन के अंतर्गत आने वाली सभी चीज़ों का मार्गदर्शन मिलेगा। तो आज का टॉपिक है ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट या ड्राई मैटर इनटेक। जैसे कि आप जानते हो कि 2% देसी गाय में और 2.5 से 3% भैंस या क्रॉस गाय में ड्राई मैटर दिया जाता है, और ये कभी कभी वैरी भी करता है, जैसे कि लैक्टेशन कर्व के अनुसार ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। और वो कैसे देना है, वो एक्चुअल में इसका लोगों में संभ्रम है। और ये प्रॉपरली देने के लिए एक गाइडलाइंस आती है, कुछ गाइडलाइंस है जो साइंटिफिक बेस्ट पे आधारित है। सो इन सबको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो जानना पड़ेगा कि ड्राई मैटर है क्या। तो ड्राई मैटर एक आधे फीड स्टफ लेंगे और उसमें से जितना भी पानी अगर निकाल लिए जाए तो जितना भी बचता है वो सब है ड्राई मैटर। और ड्राई मैटर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल और विटामिन आ जाते हैं। और जो ड्राई मैटर है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें सभी पोषण मूल्य आते हैं और उसी के वजह से एक आधे फीड स्टफ का कॉस्ट है, डिफाइन होता है या कीमत डिफाइन होती है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया है, ड्राई मैटर अगर ज़्यादा रहा तो उसका भाव ज़्यादा लगेगा, और ड्राई मैटर कम रहा तो भाव कम लगेगा, और जो स्टोरेज है उसका प्रॉपरली होगा। जैसे कि अगर ड्राई मैटर ज़्यादा है तो कम से कम मॉइस्चर रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई मैटर रहेगा तो उसमें प्रिजर्वेशन की दिक्कत नहीं आएगी। अब इस स्लाइड में हम देखेंगे कि डिफरेंस इन कॉस्टिंग, यानी अगर 2.5% ड्राई मैटर से अगर फीड खिलाया और 4% ड्राई मैटर से अगर फीड खिलाया तो कॉस्टिंग में कितना डिफरेंस आता है। तो साल का अराउंड 14,000 से लेके 15,000 तक कॉस्ट डिफरेंस आ जाएगा एक एनिमल के लिए। वही आपके पास अगर 10 एनिमल रहे तो उसका कॉस्ट डिफरेंस आ जाएगा 1.5 लाख तक। तो इसके वजह से ड्राई मैटर इनटेक या ड्राई देना फीड में कितना इम्पोर्टेंट है, इस स्लाइड से आप देख सकते हो। अभी डिफरेंट फीड स्टफ में जो जो भी चारा है या पशु खाद्य है उसमें कितना ड्राई मैटर वैरी होता है, इस स्लाइड में हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखोगे आप कि ग्रेन्स में ड्राई मैटर रहेगा 90%, और बाकी पास्चर्स वगैरह है जो जो भी हम ग्रासेस वगैरह उनको एनिमल को देते हैं तो उसमें 20% से लेके 30% तक ड्राई मैटर वैरी करेगा। ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट नॉर्मली जो बताया जाता है सो यार वो एक अप्रोक्सीमेशन साइंस है, जैसे कि टोटल बॉडी वेट के 2% से लेके 4% तक हम देते हैं, और इसमें जो थंब रूल है वो 2% देसी गाय में और 2.5 से 3% क्रॉस गाय और बफेलो में दिया जाता है। ड्राई मैटर कैलकुलेट कैसे करना है, तो सिंपली मोबाइल पे भी कैलकुलेशन किया जा सकता है इसका। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 400 kg के एनिमल के लिए ड्राई मैटर इनटेक अगर 2.5% होगा तो 2.5% मल्टीप्लाइड बाय 400 भी कर दिया तो भी उसका आंसर आ जाएगा। तो भागों में डिवाइडेशन होता है, एक कॉन्सेंट्रेट यानी पशु खाद्य और एक पेट भराव खाद्य यानी रफूज। तो 1/3 ऑफ कॉन्सेंट्रेट बोला जाता है, यानी जो 33% इस ड्राई मैटर के यानी टोटल ड्राई मैटर के कॉन्सेंट्रेट देना पड़ेगा यानी पशु खाद्य देना पड़ेगा। जैसे कि इस केस में 1/3 ऑफ 10 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3.3 kg कॉन्सेंट्रेट पशु खाद्य,
और रफेज यानी पेट भराव खाद्य के लिए आ जाएगा 67%, 2/3 आ जाएगा, तो 6.6 kg यानी 6.6 kg इसका रफेज आएगा। तो बाद में इसका ये रफेज का भी दो भागों में डिवाइडेशन होता है, एक सूखा चारा और हरा चारा। तो सूखा चारे में लगभग 80% डायमीटर रहता है, तो उसका भी वैसे ही करेंगे, 2/3 जो लगेगा वो सूखा चारा लगेगा और 80% डायमीटर है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके आ जाएगा 5.5 kg। और बाद में ग्रीन्स का भी वैसे 1/3 है इसका, तो 20% डायमीटर रहता है इसमें, तो वो आ जाएगा 11 kg। वैसे ही लेग्यूम्स है वो 25% यानी 1/4 आता है, तो इसका 25% आ जाएगा 2.75, और नॉन लेग्यूम आ जाता है 8.25 यानी 75% ऑफ दिस हरा चारा। सो इतना आ जाएगा। बाद में अगर एनिमल मिल्क प्रोडक्शन में है तो उसको पर केजी मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए अराउंड 300 ग्राम तक अपने को पशु खाद्य देना पड़ेगा, और उसके साथ उसका जो बॉडी वेट है उसके मेंटेन करने के लिए खाद्य देना पड़ेगा, वो 1 kg के अराउंड देना पड़ेगा। और वही अगर भैंस है तो उसको 350 से 400 ग्राम तक पशु खाद्य देना पड़ेगा 1 kg के मिल्क प्रोडक्शन के लिए, और 2 kg तक या 1.5 kg तक मेंटेनेंस बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए खाद्य देना पड़ेगा। तो वैसे ही कैलकुलेशन किया है, बस यहाँ पे पशु खाद्य है वो उसके मिल्क प्रोडक्शन पे आधारित इसका कैलकुलेशन किया गया है। जैसे ये 10 kg मिल्क प्रोडक्शन किया कर रहा है एनिमल, तो 3 kg उसका कॉन्सेंट्रेट लगेगा और 1 kg उसको मेंटेनेंस के लिए लगेगी। और रफेज लाइकवाइज कैलकुलेशन करेंगे हम कि ये 10 उसका डायमीटर है, तो कॉन्सेंट्रेट यानी पशु खाद्य उससे माइनस कर दिया तो फिर वो आ जाएगा 6, और बाकी का कैलकुलेशन सेम है जैसे हमने पिछले स्लाइड में किया था। तो इस स्लाइड पे एक्चुअल हम इस मुद्दे का विश्लेषण करेंगे। तो फेज ऑफ लैक्टेशन में आप जो देखोगे कि इसका जैसे जैसे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ये जो है वो पार्चुरेशन है, पार्चुरेशन का फर्स्ट मंथ है, उसके बाद जो होता है वो जो मिल्क प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे इंक्रीज होते जाता है, ये 60 से 90 दिन तक इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, और साथ ही साथ जो ड्राई मैटर इनटेक है वो कम होता है, और लगभग तीसरे महीने से ये दूसरे महीने से ऊपर जाते जाता है, और तीसरे महीने में एकदम पीक पकड़ लेता है, और उसके बाद 6 महीने तक उसका पीक ही रहता है। लगभग 6 महीने से वो नीचे आना शुरू करता है, और बाद में जाके 8.5वें महीने पे वो और नीचे आ जाता है, और 8.5वें महीने पे से भी और नीचे आता है कुछ 9 से 10 महीने तक, बाद में ऊपर ऊपर चलते जाता है। तो लाइक वाइज अगर हमने ड्राई मैटर का फीडिंग किया तो मिल्क प्रोडक्शन का डिक्रीज भी नहीं होगा, और उसका बॉडी कंडीशन स्कोर भी नहीं कम होगा, और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ड्राई मैटर भी होगा यानी बराबर मात्रा में ड्राई मैटर भी जाएगा, और हमें ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगेगी, और एनिमल का पोषण भी अच्छी तरीके से होगा। तो एक फार्मूला दिया गया है जो ड्राई मैटर इनटेक के लिए हम यूज़ करते हैं, इसका ड्राई मैटर इनटेक इक्वल टू 4.048 माइनस 0.0038 इंटू बॉडी वेट इन केजी प्लस 0.058 इंटू 4% एफसीएम इन केजी। तो एफसीएम यानी फैट करेक्टेड मिल्क होता है, और इसका फार्मूला 0.4 इंटू एक्चुअल मिल्क यील्ड इन केजी पर डे प्लस 15 इंटू मिल्क फैट इन केजी पर डे। तो इस पर्टिकुलर फार्मूले से हम उसका डायमीटर इनटेक निकाल सकते हैं, और हमने इसका प्लॉट करके देखा एक्सेल शीट में, तो हमें
ये पर्टिकुलर डायमीटर इंटेक उसका आया है, और ये बहुत सारे रिसर्च ने भी प्रूव कर दिया है कि ये डायमीटर रिक्वायरमेंट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड बॉडी कंडीशन स्कोर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो जैसे कि आप जानते हो, हमें यही सॉल्यूशन ये पूरे या क्रक्स है इस एपिसोड का, कि ये ही डायमीटर जो है वो हमें एनिमल को देना है। तो हमने करना कुछ नहीं है, पहले तो पहले मंथ से तीसरे मंथ तक जो डायमीटर हमने एक गाय को देना है वो 2.5% देना है। बाद में तीसरे मंथ से छठवें महीने तक हमें जो डायमीटर जो है वो 3.5% देना है। बाद में छठवें महीने से 8.5 महीने तक 2.5% देना है, और बाद में 8.5 महीने से 12वें महीने तक 2% देना है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डायमीटर इनटेक है वो पहले तो कम रह रहा है, बाद में बढ़ रहा है, बाद में और कम हो रहा है, और बाद में और कम हो रहा है। और इस पर्टिकुलर जो ये जो इनटेक है वो कम क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका पार्चुरेशन हो रहा है और एनिमल स्ट्रेस में है। तो इस पर्टिकुलर फेज में इसको ट्रांजिशन भी बोला जाता है। ये जो 21 दिन पहले पार्चुरेशन वाला और इस 21 दिन बाद में का पार्चुरेशन वाला जो टाइम होता है उसको ट्रांजिशन पीरियड बोला जाता है, और एक बहुत क्रिटिकल होता है। उसका डायमीटर अपना ड्राई पीरियड का मैनेजमेंट, बाद में ट्रांजिशन पीरियड का मैनेजमेंट, और पीक ईल्ड का मैनेजमेंट ये कैसे करेंगे, या फीड इनटेक फीड जो होता है वो कौन सा देंगे, हम सब ये आगे वाले एपिसोड्स में देखेंगे। बट ये जो डायमीटर इनटेक का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, तो हमने इसको आपके लिए लाया था। बाद में अगर फेज वाइज डायमीटर रिक्वायरमेंट देखेंगे एनिमल का, तो पहला जो फेज था, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, पहला जो फेज है वो पहले मंथ से लेके तीसरे मंथ तक पार्चुरेशन होने के बाद, यानी बच्चा पैदा होने के बाद। बाद में तीसरे मंथ से लेके 6वें महीने तक दूसरा फेज है। बाद में 6ठे महीने से लेके 8.5 से 9 महीने तक जो है वो तीसरा है, और 8.5 से 9 महीने के बाद से 12 महीने तक वो चौथा फेज है। ये डायमीटर इनटेक के हिसाब से बनाए गए फेजेस हैं। तो वैसे ही हमने जो फेज वाइज डायमीटर रिक्वायरमेंट है एनिमल का, और उनका जो कौन सा फीडिंग करना पड़ेगा वो थोड़ा सा हमने यहाँ पे दिया है। तो अगर गाय है तो फेज 1 है तो उसमें 2.5% का डायमीटर लगेगा, और वो एनिमल अगर 10 kg का मिल्क दे रहा है तो उसको 4 kg का कॉन्सेंट्रेट लगेगा, और हरा चारा और जो सूखा चारा है वो इतना लगेगा। बाद में फेज 2 में भी हमने वैसे ही दिया है। बाद में फेज 3 में 2.5% लगेगा, बाद में फेज 4 में 2% लगेगा। वैसे ही बफेलो के लिए भी हमने यहाँ पे दिया है, ये आप नोट भी कर सकते हो। थैंक यू।